कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में देर रात को भयंकर आग लग गई। विश्वविद्यालय के डीन कार्यालय में देर रात को भयंकर आग लगी, जिससे डीन कार्यालय और जनरल ब्रांच का रिकॉर्ड जलकर भस्म हो गया। जैसे ही घटना की जानकारी प्रशासन को लगी, मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां भेजी गई, लेकिन इस घटना में कोवे का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जल गया। साथ ही विपरीत हालात से निपटने के लिए कोई पुख्ता प्रबंध भी नहीं दिखे। उसके बावजूद आग इतनी भयंकर थी कि कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक डीन कार्यालय जलकर भस्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हुई आगजनी की घटना के मद्देनजर देर रात को कुवी अधिकारी और आदर्श थाना प्रभारी छोटू राम मौके पर पहुंचे। उधर छात्रों ने बताया कि आग लगते ही जैसे ही लाइब्रेरी के पास से निकल रहे छात्रों ने देखा डीन कार्यालय में आग लगी है, तो वह भी मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो लाइब्रेरी से देखा कि कुछ स्टूडेंट सिलेंडर लेके इस बिल्डिंग की तरफ आगे हुए थे, तो हमने देखा कि यहाँ पे धुआं निकल रहा है। तो जितने भी लाइब्रेरी से बच्चे थे ना, उससे भी किसी भी यहाँ पे आगे पहुंच गए। उन्होंने काफी कोशिश की इसको आग बुझाने के लिए, उन्होंने फोन किया भाई फायर ब्रिगेड साइंस सिक्योरिटी नहीं पता था इतना जल्दी, इतना स्टूडेंट को पता लग गया। उसके बाद 3 फायर ब्रिगेड की बसें आई है यहाँ पे। ये भी मतलब आप कह सकते हैं कि भाई सरकार की एक मतलब कमी है कि भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के बाद, इतनी बड़ी आग लगने के बाद 3 बसें आई है। ये भी बारी बारी से आई है, एकदम नहीं आई, एक के बाद एक आई है। तो कितनी देर से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है? कम से कम 1 घंटा हो गया। आपका परिचय, नाम? सर मेरा नाम कपिल है, मैं PhD जियोग्राफी से।